तो मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी विद ज्योति यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने स्टेट का सिलेबस बता दिया था आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें, और टॉपिक भी बताए थे मैंने जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसमें। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी अब तक तो देख सकता है। और आज से ही मैं शुरू करने वाली हूँ जो स्टेट में क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आते हैं तो उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ अभी से ही। तो आज में ये सीरीज़ की पहली वीडियो है, तो संज्ञा प्रकरण से आज हम शुरू करेंगे क्योंकि संज्ञा प्रकरण से भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज देख लीजिए कैसे क्वेश्चन लगते हैं, आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे, क्वेश्चन का लेवल है या नहीं आपके हिसाब से। पर मैं बता देती हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि मैं करवाने जा रही हूँ। तो आप एक बार वीडियो पूरी देखिए तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो में क्वेश्चन कैसे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सामने दिखाई दे रहा है कि संज्ञा प्रकरण है जो हमारा, उसमें अभ्यास अर्थ प्रसंग आपके अभ्यास के लिए मैं लेकर आई मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि एक टॉपिक वाइज सीरीज चलेगी। संज्ञा प्रकरण पे संधि समास प्रत्यय ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगी आपके लिए। हर एक टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन होंगे आपके लिए, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एग्जाम में, आप देख लेना। अगर आपने एक दो बार एक्सटेट दिया है तो आपको अनुमान लग जाएगा कि लेवल के क्वेश्चन है, स्टेट लेवल के ही। अगर कोई सेकंड ग्रेड का पेपर देने वाला है तो उसके लिए भी बेनिफिट होगा ये। और वैसे भी संस्कृत तो सभी में सेम होती है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कि वेदों कामुक कहलाता है, वेदों कामुक क्या कहा जाता है। तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, यह आपने जरूर सुनी होगी, लाइन पाणिनि शिक्षा में मिलती है। मुखम व्याकरणम स्मृतम यानी कि जो वेदों के छः अंगों में प्रधान अंग के रूप में जो प्रसिद्ध है व्याकरण है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेदों में मुख कहा जाता है उसमें, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रथमे ही विद्वांसो व्याकरण उक्ति किसने कही है, प्रथमे ही विद्वांसो व्याकरण उक्ति किसने कही है। तो ये उक्ति कही है, देखिए ये कही है आनंदवर्धन ने, आनंद के द्वारा कही गई है। ये अध्वन्यालोक का एक ग्रंथ है, ठीक है। अध्वन्यालोक में आनंदवर्धन मतलब व्याकरण को जानने वाले थे, उन्होंने कहा है कि प्रथमे ही विद्वांसो व्याकरण व्याकरण मूलत्वात् सर्वविद्यानां, ये इसकी पूरी पंक्ति है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, आप इतना देकर भी पूछ सकते हैं आपसे, एक दिन आधी लाइन और पूरी लाइन देकर पूछ सकते हैं किसकी उक्ति है, तो आनंदवर्धन की है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम वैयाकरण माना जाता है, कौन माना जाता है प्रथम वैयाकरण। प्रथम वैयाकरण इंद्र को माना जाता है। देखिए आपको ये जो प्रथम वैयाकरण है, इनका जो समय है, ये मतलब इसको व्याकरण परंपरा कहते हैं, व्याकरण परंपरा, ठीक है। ये दो प्रकार की मानी गई, आपको भी बता देती हूँ कि व्याकरण परंपरा दो प्रकार की मानी गई। एक तो होती है वृहस्पति जो व्याकरण है, एक ये परंपरा होती है और एक माहेश्वरी परंपरा, ये दो भागों में बांटी गई है, ठीक है। तो व्याकरण की जो वृहस्पति परंपरा है, उसमें ब्रह्मा ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण करके बृहस्पति को बताया था, यानी कि इससे बृहस्पति को बताया था सबसे पहले ब्रह्मा ने, तो इसलिए इसे वृहस्पति व्याकरण कहा जाता है, परंपरा क्या कहा जाता है ऐसे कह सकते हैं। तो और बृहस्पति ने इंद्र को बताया था, इंद्र ने यम को, फिर ऐसे ये परंपरा चलती गई, यम ने रुद्र वायु वर्ण आदि देवताओं को बताया था, ठीक है। तो इसलिए इस मत में इंद्र को प्रथम माना जाए, इसे इंद्र को, यानी कि पहले तो ब्रह्मा ने बृहस्पति को बताया, फिर बृहस्पति ने बताया था इंद्र को, इसलिए इसको क्या कहा जाता है। इसमें प्रथम आपसे व्याकरण पूछे तो हम बताएंगे प्रथम व्याकरण माने हैं इंद्र को। और अगर प्रथम प्रवक्ता पूछे आपसे, इसकी जगह अगर प्रथम व्याकरण की जगह आपसे पूछ जाए कि प्रथम प्रवक्ता कौन है इसके, तो प्रवक्ता बताएंगे बृहस्पति जी, ठीक है। बृहस्पति जी को प्रथम व्याकरण माना गया है। और दूसरी जो परंपरा है वो है माहेश्वरी परंपरा। एक और बात आपको मैं बता देती हूँ कि जो बृहस्पति परंपरा है ना, बृहस्पति परंपरा को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से ये अच्छे से लिखा नहीं जा रहा मुझे, तो कातंत्र, इसको क्या कहा जाता है, कातंत्र परंपरा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो बृहस्पति परंपरा है उसको, उसका दूसरा नाम भी है एक कातंत्र
परंपरा, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। और दूसरी परंपरा मैंने बताई थी कि माहेश्वरी परंपरा के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो प्रथम व्याकरण कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं माहेश्वर, यानी जो शिव जी हैं वे कहे जाते हैं प्रथम व्याकरण, ठीक है, प्रथम व्याकरण शिव जी कहे जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से ही पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके माध्यम से ही पाणिनि जी को व्याकरण का ज्ञान हुआ था, इसीलिए इस परंपरा को हम क्या कहते हैं, माहेश्वरी परंपरा तो कहते ही हैं, लेकिन इसको पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। जैसे बृहस्पति परंपरा के प्रथम जो व्याकरण है वो इंद्र है, और इसके प्रवक्ता पूछे तो आपसे प्रवक्ता में बताएंगे हम बृहस्पति की, बृहस्पति हो जाएंगे प्रवक्ता। और ऐसे ही और इसको बृहस्पति की जो परंपरा है इसको हम क्या कहते हैं, कातंत्र परंपरा भी कहा जाता है। ये तीन चीज़ें इसमें याद रखनी है। और जो ये बताया गया है कि माहेश्वरी परंपरा दूसरी है, इसको माहेश्वर इसके माहेश्वर हैं जो वे क्या हैं, वे परंपरा मतलब उसकी प्रथम व्याकरण है माहेश्वर, ठीक है, ऐसा याद रखेंगे। और इसको पाणिनीय परंपरा भी कहा जाता है, इसको एक बात इसकी ये याद रखेंगे, पाणिनीय परंपरा भी कहा जाता है इसको। ये मैं हाथ से लिख रही हूँ इसलिए अच्छा नहीं लिखा जा रहा है। और इसी परंपरा को वर्तमान में तार्किक मनोवैज्ञानिक और सर्वग्राह्य माना जाता है। कौन सी वाली को, जो माहेश्वरी परंपरा है इसको ही मनोवैज्ञानिक माना जाता है। तो ऑप्शन में आपको मिले कि मनोवैज्ञानिक जो परंपरा है वो कौन सी परंपरा है दोनों में से, तो हम बताएंगे माहेश्वरी परंपरा या पाणिनीय परंपरा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आशा करते हैं कि आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताई वो समझ में आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है पूछा गया है। तो इसमें जो स्टेट का एग्जाम होता है उसमें सत्य असत्य करके पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन की नहीं है या है। तो व्याकरण के त्रिमुनियों में पाणिनि को गिना जाता है, वररुचि यानी वररुचि का दूसरा नाम है कात्यायन, और यह है पतंजलि को गिना जाता है, कैयट को नहीं गिना जाता, उसका आंसर हो जाएगा कैयट, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि पाणिनि कात्यायन और पतंजलि को व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है। पाणिनि के द्वारा लिखी गई जो रचना है कृति इनकी है वो अष्टाध्यायी है इनकी, और कात्यायन के द्वारा वार्तिक लिखे गए हैं और पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया है। तो ये भी याद करने की चीज़ें हैं, तो आप सब याद करने का प्रयास कीजिएगा। फिर अगला जो प्रश्न हमारा है, वार्तिकों के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है। वार्तिकों की रचयिता भी बताया था कि वार्तिक जो लिखे हैं किसने लिखे हैं, कात्यायन ने लिखे हैं और पतंजलि ने लिखा महाभाष्य, ठीक है। पाणिनि के अष्टाध्यायी है और भट्टोजी दीक्षित की प्रौढ़ मनोरमा भी है, और वैयाकरण सिद्धांत जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है वो है इसकी, ठीक है। तो इन सबको याद रखिए, इनकी रचनाएँ पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पतंजलि की कृति का नाम कौन सा है। पतंजलि जी की अभी मैंने बताई थी, पतंजलि जी की है महाभाष्य, ठीक है। अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की। वार्तिक किसने लिखी है, कात्यायन लिखे, प्रौढ़ मनोरमा भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितनी प्रकार की होती है। तो व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितने प्रकार की होती है, तो मैंने एक क्वेश्चन बता चुकी हूँ आपसे, वो जो परंपरा भी बताई थी मैंने वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, बृहस्पति जो परंपरा है वो, और कौन सी है, एक है माहेश्वरी को पाणिनि भी कहा जाता है, और जो बृहस्पति है उसको कादंत परंपरा भी कहते हैं, ठीक है, इसे याद रखिए आप। अगला प्रश्न हमारा है, व्याकरण की बृहस्पति परंपरा का अपर नाम है। अपर नाम देखिए, अभी तो मैंने बताया है आपको, तो व्याकरण की बृहस्पति परंपरा का अपर नाम है कातंत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्याकरण की बृहस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे व्याकरण का ज्ञान दिया। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने किसको व्याकरण का ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया पहले तो, और फिर बृहस्पति जी को बताए थे। पहले ब्रह्मा ने इसको प्राप्त किया, ब्रह्मा ने इसको, आप नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में जिसके पास ये बुक मतलब ये लिखा हुआ नहीं है या फिर जानकारी नहीं है, तो अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं तो लिख सकते हैं आप अपने बुक में। तो ब्रह्मा ने जानकारी दी थी किसको, बृहस्पति जी को लिख सकते हैं, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे यहाँ पर। तो और फिर बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने बताया यम को, यम ने फिर ये सीरीज चलती रही, रुद्र
वायु वरुण आदि देवताओं को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? तो वार्तिक किसने लिखे हैं? कात्यायन लिखे हैं। वार्तिकों की कुल संख्या 836 है। ठीक है, याद रखिए इसको। व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक कौन है? यानी माहेश्वरी जो परंपरा मैंने बताई थी आपको, उसके जनक कौन है? तो उसके जनक हैं शिव। यानी कि इसमें देखिए, ब्रह्मा तो उसके ना, इसके जो बृहस्पति वाली है, पहले उसको, फिर विष्णु तो कहीं आता ही नहीं है, और ना ही कृष्ण आता है, तो शिव हो जाएंगे। शिव या माहेश्वर एक ही बात है। ठीक है, महाभाष्य में कितने आहनिक हैं? तो 84 या 85 के कितने हैं, ये आहनिक हैं। ठीक है, फिर हमारे जो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक कौन है? प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक कौन है? तो देखिए, प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक कौन है? तो ये नारायण भट्ट हो जाएंगे इसके लेखक। ठीक है, तो और क्या है, रामचंद्र जी के द्वारा लिखी गई जो कृति है वो है प्रक्रिया कौमुदी। देखिए ये एक जैसी है, तो इनको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि याद ही ना हो। प्रक्रिया कौमुदी किसकी है? ये है रामचंद्र की, और प्रक्रिया सर्वस्व है नारायण भट्ट का। और विमल सूरी भी दिया गया है इसमें, तो विमल सूरी की हो जाएगी रूपमाला। तो रूपमाला किसकी है? विमल सूरी की है। और भट्टोजी दीक्षित की पहले मैं बता चुकी हूँ कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है एक तो, और एक है प्रौढ़ मनोरमा। ठीक है, और रामचंद्र की कौन सी है? तो रामचंद्र की कौन सी है? प्रक्रिया कौमुदी। और नारायण भट्ट की हो जाएगी प्रक्रिया सर्वस्व। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही होगी आपके साथ, तो बने रहिए अंत तक। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, यथा उत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत है? सर्वाधिक सम्मत मत कौन सा है? यानी कि यथा उत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम, यानी उत्तर के मुनि प्रमाणित होते हैं, तो इसमें सर्वाधिक सम्मत कौन सा है? तो पतंजलि को माना जाएगा, क्योंकि उत्तरम लिखा हुआ ना, यानी बाद वाले ही क्या होंगे, प्रमाणिक माने जाएंगे, तो इसके अनुसार ये बताया जाए कि। ठीक है, तो अब हमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि हमने त्रिमुनि पढ़े थे, पाणिनि कात्यायन पतंजलि, तो इस परंपरा में कौन श्रेष्ठ है ये पूछा जा रहा है आपसे कि कौन प्रमाणिक ज़्यादा है। तो पाणिनि के मत को ही प्रमाणिक माना है, लेकिन जो बाद का उत्तरम लिख दिया ना, तो यथोत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम, जो उत्तर के होंगे, यानी पाणिनि से जो प्रमाणिक है वो कात्यायन है, कात्यायन से प्रामाणिक हो जाएंगे पतंजलि। ठीक है, तो चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपको समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले एस्टेट में पूछा गया है, एस्टेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन पहले। ठीक है, इसी बुक में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या में भी कन्फ्यूजन होती है कई बार से, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, सीधा पूछे तो आपसे 42 है माहेश्वर सूत्रों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या बोल दिया मैंने, माहेश्वर सूत्र तो 14 होते हैं, सॉरी जो माहेश्वर सूत्र होते हैं वे 14 ही होते हैं। ठीक है, 42 होते हैं वो प्रत्याहार होते हैं। ठीक है, प्रत्याहार 42 होते हैं, और जो माहेश्वर सूत्र होते हैं वे होते हैं 14। ठीक है, याद रखिए इनको, कन्फ्यूज हो जाता है ना, कन्फ्यूजन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था? तो महाभाष्य लिखा गया था कितने दिनों में? तो इसका आंसर हमें, आपको पता है तो कमेंट में बताइए, तो ये इसका हो जाएगा 84 या 85। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, माहेश्वर सूत्रों में, देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा संस्कृत में, पूछा जाएगा क्वेश्चन आपका जो एग्जाम होगा उसमें, ये हिंदी में करवाए जा रहे हैं आपसे, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाता है, इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं होती है स्टेट की, तो फायदा तो होगा ही हमारा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? 2 बार उपदेश किसका हुआ है? तो ये हुआ है जो जो वर्ण है उसका 2 बार प्रयोग हुआ है,
तो कहाँ पर हुआ है, है का दो बार प्रयोग तो हम देख लेते हैं। देखिए जो हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं आयुण रेल रिक ये वाले, तो इसमें से हम जब ये पढ़ते हैं ह ये व र ट ये पढ़ते हैं, तो इसमें है आ गया एक बार यहाँ पर आ जाता है। एक चौदवा जो माहेश्वर सूत्र है हल, जिसको हम हल बोलते हैं, इसमें भी एक बार है आ जाता है। तो ऐसे दो बार प्रयोग हो गया इसका है का, तो इसमें ऑप्शन में जो है दिया गया है इसका ऑप्शन ठीक होगा। यह का नहीं होता है, रे का भी नहीं होता है, ले का भी नहीं होता, ठीक है। माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का दो बार प्रयोग होता है, तो है का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है, तो अष्टाध्यायी का दूसरा नाम शब्दानुशासन है, ये सबको पता है। शब्द कौस्तुभ के लेखक कौन है, शब्द कौस्तुभ पहले भी बता चुकी हूँ मैं, शब्द कौस्तुभ नहीं बताया था मैंने, फोटो मनोरमा बताई थी। तो शब्द कौस्तुभ के लेखक कौन है, तो यह भट्टोजी दीक्षित ही है ये, ठीक है। शब्द कौस्तुभ के लेखक हैं भट्टोजी दीक्षित है। और नागेश भट्ट के द्वारा कौन सी लिखी गई है, तो नागेश भट्ट के द्वारा लघु शब्देंदु शेखर, परिभाषेंदु शेखर, बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं इनके द्वारा, तो बहुत सारी हैं। और जो कैयट के पीछे आई थी वो है महाभाष्य प्रदीप लिखी है किसने, कैयट ने लिखी है। और वासुदेव दीक्षित की है बाल मनोरमा, तो इन्हें भी याद रखिए, अगर याद हो जाती है तो रखिए, नहीं तो स्टेटमेंट कुछ नहीं जाती है, ये रचनाएं इतनी सारी, तो वैसे ही याद बता रही हूँ मैं, वैसे आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन है वरदराज की रचना है, वरदराज की रचना कौन सी है, तो वरदराज आचार्य की रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये दोनों हैं, तो इसका आंसर द हो जाएगा, ए और ब दोनों। पाणिनि के ने किस भगवान की आराधना करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया, यानी जो पाणिनि जो परंपरा बताई थी मैंने पाणिनि परंपरा, तो पाणिनि किस भगवान की आराधना की थी, तो महेश की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है बाल मनोरमा के लेखक कौन है, बाल मनोरमा का अभी बताया था मैंने, वासुदेव दीक्षित है, ठीक है। नागेश भट्ट जी के द्वारा लघु शब्देंदु शेखर, शब्देंदु शेखर, परिभाषेंदु शेखर, ये बहुत सारी रचनाएँ लिखी गई हैं। कोंड भट्ट के द्वारा लिखी गई है, कोंड भट्ट के द्वारा व्याकरण भूषण सार लिखी गई है, व्याकरण भूषण सार लिखी गई है, ठीक है। इनको याद रखें या नहीं रखें, जो नेट का एग्जाम होता है ना हमारा, उसमें पूछ जाती है सारी रचनाएँ, स्टेट में तो शायद ना पूछें, स्टेट में पूछे जाएंगे या नहीं पता नहीं इनका, तो लेकिन याद तो रखने चाहिए हमें। भट्टोजी दीक्षित की भी कई बार बता चुकी हूँ आपको, भट्टोजी दीक्षित कोड मनोरमा है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है। चलिए आगे चलते हैं, तो अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं, तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है महाभाष्य पर प्रदीप टीका लिखी है, किसने लिखी है प्रदीप नामक टीका, तो अभी बताई थी मैंने कैयट ने लिखी है। स्पाद सप्ताध्यायी के कितने पाद होते हैं, सॉरी स्पाद सप्ताध्यायी में कितने पाद होते हैं, तो ये होते हैं कितने, 29 पाद होते हैं, स्पाद सप्ताध्यायी में 29 पाद होते हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादेच है और अंतिम है अ अ, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप सबको याद रखना चाहिए इसे। तो प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेच और अ अ है जो अंतिम सूत्र है। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा होती है माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की, इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा आशा करती हूँ आप समझते होंगे कि इत संज्ञा क्या होती है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इत संज्ञा क्या। देखिए इत संज्ञा करने वाले जो व्याकरण में पढ़ते हैं वो टोटल जो सूत्र हैं वो हैं 6। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इत संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं, तो 6 सूत्र हैं इत संज्ञा करने वाले। नाम बता देती हूँ आपको, उपदेशी अजन अनुनासिक इत नंबर 1 पे ये आएगा, मैं लिख नहीं सकती, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा है हलंत्यम, तीसरा है आदिर ही चुडव है सूत्र से भी इत संज्ञा होती है, और तीसरा ये बता दिया आदिर ही चुडव है। चौथा है हमारा सह प्रत्यय प्रत्यक्ष, सह प्रत्यक्ष, तो और पांचवा सूत्र है हमारा चुटू, चुटू से भी कौन सी संज्ञा होती है, इत संज्ञा ही होती है। प्रशकवत द्वितीय से भी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। तो इत संज्ञा सूत्र जो होती है वो अंतिम, देखिए हलंत्यम को समझा देती हूँ मैं आपको एक बार, हलंत्यम
हलंतम से जो अंतिम हल हैं, यानी हल यानी व्यंजन होते हैं। उपदेश अवस्था में जो विद्यमान अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होती है, ये बताया जाता है इसमें। यानी जो धातु आगम आदेश प्रत्यय आदि के अंत में जो हल वर्ण की संज्ञा हो जाती है, जैसे कि आपको दिखा देती हूँ उदाहरण के तौर पर, जैसे कि डूक्रिय धातु है, ये डूक्रिय धातु है, डूक्रिय धातु में जो ये अंतिम हल वर्ण है ये वाला, ये तो इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, और किससे हो जाएगी, हलंतम से हो जाएगी, ठीक है, हलंतम से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और उपदेशीय अनुनासिक जो अच अनुनासिक है उनकी करता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल से सभी को आते होंगे। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले हम क्वेश्चन पे कौन से पे आ गए थे, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है। चखंतु में द्वितीय खकार है, क्या है द्वितीय खकार है, द्वितीय खकार है यम। देखिए यम, यम में भी यम क्या होता है, तो वर के प्रारंभिक चार वर्णों में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण, यानी पांचवें वर्ण का आप समझते होंगे ङ ञ ण न म, इनके रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। आशा करती हूँ समझ रहे होंगे आप, लेकिन लिखिए बिना समझ में नहीं आता मुझे पता है। देखिए मैं बता देती हूँ आपको कि जो वर्ग का प्रारंभिक चार वर्णों में से वर्ग के कौन से हैं, तो हम लिखते हैं प्रारंभिक चार वर्ण जो है ना, क च ट त प, तो इनमें से किसी भी के आगे, किसी के भी आगे मतलब इनका पांचवा वर्ण आ गया, तो उनसे पहले इनका जो द्वितीय वर्ण होगा ये हो जाएगा यम माना जाएगा। इसका उदाहरण आपको बता देती हूँ, जैसे पलिकिनी है, पलिकिनी तो इसको हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि जो पहला वर्ण है इसमें आ गया कौन सा, के आ गया, तो वर्ग का पहला वर्ण हो गया और ये हो गया इसका अंतिम वर्ण, यानी पांचवा वर्ण हो गया। तो इसमें से जो पहले के जैसे दूसरा वर्ण है उसको क्या कह देंगे हम, उसको कह देंगे हम यम, यानी कि ये वाला जो है ना, कौन सा वाला, ये वाला जो है ये यम कहलाया जाए, यम कहा जाएगा ये वाला। तो यम कौन सा है, तो द्वितीय वर्ण को हम क्या कहते हैं, यम कहा जाता है। जो पांचवें वर्ण के बिल्कुल पास में होगा उसको हम क्या कहेंगे, यम कहेंगे। तो इतना चखंतु में हो गया ये वाला ख, कौन सा ख, ये वाला ख, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, प से पहले का अर्ध विसर्ग कहलाता है, क्या क्या कहलाता है, उपधमनीय। यानी कि देखिए अगर कै ख में से ये होता है, देखो एक मिनट, ये जो निशान होता है ये अर्ध विसर्ग का होता है, ठीक है। अगर इससे पहले ख या क है तो ये कहे जाएंगे जीवामूलय, ठीक है। और इससे पहले अगर प या फ होंगे तो क्या कहे जाएंगे, उपधमनीय। तो इसे में यही पूछा जा रहा है आपसे कि प से पहले अर्ध विसर्ग कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है उपधमनीय कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, उदित वर्णों की संज्ञा कितने होती है, उदित वर्णों की संज्ञा होती है 25, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या है, तो माहेश्वर सूत्रों में जो स्वर संबंधी सूत्र हैं वे 4 हैं और जो हल से संबंधित हैं वे 10 हैं। इस प्रकार माहेश्वर सूत्र हो गए 14 प्रकार के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 9, यानी मूल स्वर होते हैं वे होते हैं 5, यानी अ ई उ री, री हो जाएगा और लरी हो जाएगा, ये मूल स्वर होते हैं 5, और ए ओ आई ओ ये होते हैं संयुक्त स्वर बोले जाते हैं, ये मूल स्वर, ये 5 और 4 मिलाकर 9 स्वर माने जाते हैं संस्कृत में, ठीक है। और व्यंजन कितने होते हैं, अगला क्वेश्चन व्यंजन का ही है,
संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? देखिए, स्वर होते हैं 9 और व्यंजन होते हैं 33, और कुल वर्ण पूछे तो हमसे हम बताएंगे 42 बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं? संस्कृत में वर्ण होते हैं कितने? 63 या 64, यानी 63 चतुष्षष्टी ऐसा कहा गया पाणिनीय शिक्षा में। अगला प्रश्न है, उष्ण वर्णों में नहीं है, उष्ण वर्णों में नहीं है कौन नहीं है? र नहीं मिला जाता, तो 3 और 6 जो ये क्या होते हैं? उष्ण वर्णों में माने जाते हैं, र नहीं माना जाता। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अंतस्थ वर्ण नहीं है, अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं है? तो जो है हमारा है वर्ण, ये अंतस्थ वर्ण में नहीं आएगा, य र ल व ये चारों आते हैं। ठीक है, अंतस्थ वर्ण में देखिए 25 तो होते हैं स्पर्श वर्ण, स्पर्श जो वर्ण होते हैं उच्च टुकु में जो आते हैं वो होते हैं उदित वर्ण कहते हैं उनको, या स्पर्श वर्ण कहते हैं। और उष्म वर्ण होते हैं 4, श श श ह, और अंतस्थ वर्ण होते हैं 4, य व र ल। ठीक है, य व र ल, इनका क्रम भी कई बार पूछा जाता है, य व र ल आएगा इसका क्रम। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा, स्पर्श वर्णों की संख्या 25 सही हो गया। गे, इसको गे नहीं बोला जाता, जे बोला जाता है, जे जय है जो वर्ण में संयोग, वर्ण में संयोजन हुआ है, जय में किसका संयोजन हुआ है? तो जय और यह का हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको जय बोला जाता है। ठीक है, जय किस माहेश्वर सूत्र में अकार की भी इत्संज्ञा हुई है? तो अकार की भी इत्संज्ञा हुई है ऐसा माहेश्वर सूत्र है लण। ठीक है, लण जो माहेश्वर सूत्र है उसमें किसकी हुई है? ए की इत्संज्ञा हुई है, ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो और ये कौन सा माहेश्वर सूत्र है? छठा माहेश्वर सूत्र हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, क से पूर्व विद्यमान है, यानी ये जो चिन्ह दिया हुआ है ये किसका चिन्ह है? तो ये मैंने बताया था जीवामूल्य, मैंने बताया था कैसे के पास ये विसर्ग का निशान होगा तो ये जीवामूल्य हो जाएगा, पैसे होगा तो उपदमानी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए। सामान्यतः है प्रत्याहारों की संख्या है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 44 है, प्रत्याहारों की सामान्यतः संख्या है 44, और 42 भी बोलते हैं इनको। ठीक है, सामान्यतः पूछा जाए तो हम 44 बताएंगे। व्याकरण में दृष्टि प्रयोग दृष्टि की दृष्टि से कितने प्रत्याहार गिनाए गए हैं? यानी जो सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या बताएं तो हम बताएंगे 44, और व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से कितने प्रत्याहार गिनाए जाते हैं तो ये भी 44 हो जाएंगे। सर्वाधिक प्रत्याहार किस इत्संजक वर्ण से बने हैं? तो ये बने हैं स व ल से, स व ल से सर्वाधिक बने हैं, सर्वाधिक स व ल से। तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि स व ल से सबसे ज़्यादा बने हैं, यानी 6-6 प्रत्याहार स और ल इत्संजक वर्णों से बनाए गए हैं। तो इसको कैसे देखेंगे? तो श से कौन कौन से बनते हैं बता देते हैं आपको एक बार। तो ये बनते हैं अश प्रत्याहार बनता है, एक तो एक बनता है हस, बस बनता है, झस बनता है, और जस बनता है, और बस बनता है। ठीक है, ये हो गए श से बनने वाले। और ल से बनने वाले कौन से हैं? ल से बनने वाले प्रत्याहार हैं अल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार है। देखिए अच्छे से लिखा नहीं जा रहा लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप सुन सकते हैं अच्छे से कि मैं क्या बोल रही हूँ। हल से, वल से बनता है, वल बनता है मतलब ल से, और रल बनता है, और बनता है झल, और एक और बनता है सल बनता है, दोनों से 6-6 बनते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। उनको जो बातें ही पूछे जाते हैं कि श से और ल से कितने बनते हैं और कौन से में कौन सा आता है, कौन सा वर्ण आता है, ये भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है आपसे। जो प्रत्याहार है वो याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको याद रखना है कि य व के अलावा सभी व्यंजन आते हैं इसमें। र में रल जो प्रत्याहार है उसमें य और व के अलावा सभी व्यंजन आते हैं इसमें, ऐसे याद करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अण प्रत्याहार में पर अण का
ग्रहण कब होता है, प्रणय का ग्रहण कब होता है, तो अनुदित स्वर्णस्य च प्रत्यक्ष प्रत्यय में होता है, अनुदित स्वर्णस्य च अप्रत्यय में होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, प्रत्याहार विधायक सूत्र है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्याहार का विधायक सूत्र कौन सा है, आदिर अंतिम संहिता ये इसका विधायक सूत्र है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन बहुत ही अच्छी वीडियो, क्योंकि मैं एक एक ऑप्शन का आपको डिटेल सही बता रही हूँ। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाइए। वैसे चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इन प्रत्याहार में नकार ग्रहण होता है, इन प्रत्याहार में नकार का ग्रहण होता है लण से होता है। ठीक है, तो लण सूत्र में अकार की संज्ञा का प्रयोजन र प्रत्याहार है, र प्रत्याहार में र और ल वर्णों का ग्रहण होता है। ठीक है, इसमें अलग बता दिया कि इन प्रत्याहार में नकार ग्रहण होता है लण से होता है। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो इन प्रत्याहार है वो अणकार लण सूत्र से पर्यंत माना गया है, न कि अण प्रत्याहार से, अप्रत्याहार से, ऐसे नहीं, ये लण से बनेगा इन। ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, छः का उच्चारण स्थान होता है, छः का उच्चारण स्थान है कौन सा, तालु। ठीक है, वकार का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, ये उच्चारण स्थान भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो छः का तो हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा तालु हो जाएगा, यानी इचू यसा नाम तालु, यानी ई आ जाएगा, चवर्ग आ जाएगा ये, और शैकी तालु वाला शैकी वाला से जिसको हम बोलते हैं। तो छः का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, वकार का दंतोष्ठ हो जाएगा, अणकार का उच्चारण स्थान हो जाएगा मुग्धा और नाशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो इसमें भी कन्फ्यूजन होती है कि उच्चारण स्थान पाणिनि के ने तो माने हैं आठ माने हैं, वैसे सामान्यतः हम पढ़ते हैं सात, तो हम सामान्यतः हमसे पूछा जाएगा तो हम साथ ही बताएंगे। स्पेशल नाम देकर पूछा जाएगा हमसे कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, तो हम बताएंगे आठ। ठीक है, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ये आ गया क्वेश्चन अगला, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान माने जाते हैं आठ माने जाते हैं, यानी कि उरे है जो स्थान है, उच्चारण स्थान है उरे है, ये अलग से माने गया है, इसमें पाणिनीय शिक्षा में माना गया, वैसे सामान्यतः हम उरे को नहीं पढ़ते हैं। पाणिनीय अधोलिखित में से उच्चारण स्थान नहीं है, उच्चारण स्थान नहीं है इसमें से कौन सा नहीं है, कंठ भी है और दंत भी है, मूर्धा भी है, लेकिन जो ग्रीवा है ना ये नहीं माना जाता। ठीक है, कितने वर्ण दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं, कितने वर्ण बोले जाते हैं, तो दो दस वर्ण है जो, वे कितने दो वर्णों की सहायता से, उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं, दस वर्ण जो। अगला क्वेश्चन हमारा है, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछी गई है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या पाँच है, और पाणिनी शिक्षा के अनुसार, सॉरी पाणिनी जी के अनुसार पूछे जाए हमसे, तो हम बताएंगे अभ्यंतर की संख्या चार। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि जो पाँच प्रकार के बताए हैं, स्पृष्ट बताया गया है, इस स्पृष्ट बताया गया है, लिखने में ज़्यादा टाइम जाता है इसलिए मैं लिखने का थोड़ा सोच नहीं रही, फिर भी लिख देती हूँ मैं। स्पृष्ट हो जाएगा, ईषत स्पृष्ट हो जाएगा, ईषत स्पृष्ट और ईषत विवृत हो जाएगा, विवृत समृत, और सिद्धांत कौमुदी जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, तो इसमें ईषत विवृत को आभ्यंतर प्रयत्न जो है उसे अलग नहीं माना गया है, विवृत में ही समाहित कर लिया गया है, और सिद्धांत कौमुदी में इसलिए चार ही माने गए हैं, तो स्पृष्ट माना गया है स्पृष्ट, और ईषत स्पृष्ट विवृत समृद्ध ये माने गए हैं इसमें। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर प्रयत्न संभव है, तो किसी भी वर्ण के आभ्यंतर प्रयत्न संभव है, एक ही संभव है। देखिए ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि प्रत्येक व्यंजन के चार चार बाह्य यत्न होते हैं, तीन तो होते हैं, मतलब विवार, श्वास, अघोष या स्वार संवार नाद घोष, और एक होता है अल्पप्राण या महाप्राण। प्रत्येक स्वर के तीन तीन बाह्य यत्न होते हैं, उदात, अनुदात, स्वरित। प्रत्येक वर्ण का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, जो कि आपके आपसे पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर प्रयत्न संभव होते हैं, तो एक ही होता है। और यत्न कितने प्रकार का होता है, यत्न दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा आभ्यंतर और बाह्य। ठीक है,
आकार का अभ्यंतर प्रयत्न होगा, आकार का जो अभ्यंतर प्रयत्न माना जाएगा विवृत माना जाएगा, ठीक है। बाह्य यत्नों की संख्या कितनी है, बाह्य यत्नों की संख्या 11 है। अंतस्थ वर्णों की वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है, यह है 61 सपृष्ट। अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न 61 सपृष्ट है। इकार का अभ्यंतर प्रयत्न होगा, इकार का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। देखिए ये याद करने की चीज़ें हैं, समझने की भी चीज़ें हैं ये, और अगर आपको नहीं आती हैं शनिवार सोमवार ये समझने में नहीं आते तो बता दीजिएगा, कमेंट में बता देना, मैं वीडियो डाल दूँगी इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर भी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रक्रिया दशा में ए का अभ्यंतर प्रयत्न होगा, तो प्रक्रिया की दिशा में तो विवृत होगा और प्रयोग की दिशा में होगा समृत, ठीक है, इसको याद रखिए। ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषत ईषद विवृत, यानी ऊष्म वर्ण जो होते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होते हैं। व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, व्यंजनों से संबंधित होते हैं 8, ठीक है, व्यंजनों से संबंधित जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वे 8 होते हैं, याद रखिए इनको। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता, किसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है, तो उदात जो उदात होता है उसका कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। अनुदात का तो पड़ी रेखा होती है, स्वृत्त का खड़ी होती है, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन हमारा है प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं, तो प्रत्येक व्यंजन के बाह्य यत्न होते हैं 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उदात तथा अनुदात का समाहार कहलाता है, सॉरी उदात तथा अनुदात का समाहार क्या कहलाता है, स्वृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है विवार श्वास अघोष महाप्राण ये क्या कहे जाते हैं, मतलब इनमें से कौन सा है, खय है घय है ढय है भय है, कौन सा इनमें से, तो विवार श्वास अघोष और महाप्राण, तो ये हो जाएगा खय, ठीक है, ये हो जाएगा खय। अगला प्रश्न हमारा है प्रथम वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण कहलाते हैं अल्पप्राण, 1 3 5 ये कहलाते हैं अल्पप्राण। प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न संभव हैं, प्रत्येक स्वर के बाह्य यत्न संभव होते हैं 3 संभव होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है हकार के यत्न है, हकार के यत्न हो जाएंगे कितने, विवृत संवार नाद कोश, देखिए ये इम्पोर्टेंट है याद करने की, हकार के यत्न कौन कौन से हो सकते हैं, एक वर्ण आपसे पूछा जा सकता है कि हकार के ऐसे पूछ ले जैसे, तो ये होते हैं विवृत होता है, संवार होता है, नाद होता है, घोष होता है। ऐसे ही आपसे ई का पूछा जा सकता है कि ई का क्या होता है, तो ई विवृत भी होता है, ठीक है, विवृत भी होता है, उदात भी होता है और अनुदात भी होता है और स्वृत भी होता है, ठीक है, स्वृत भी होता है। ये ऐसे ही पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन है किसी और का भी, ऊ विवृत उदात अनुदात स्वृत भी होता है, और कै आपसे पूछ ले तो इस कै जो होता है वो स्पृष्ठ विवार श्वास अघोष अल्पप्राण ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर आप तक नहीं किया है तो, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और भी आगे मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हम अगला हमारा क्वेश्चन है अंतरतम्य परीक्षा में प्रयुक्त होते हैं क्या, कौन होते हैं अंतरतम्य परीक्षा में बाह्य यत्न प्रयुक्त होते हैं। अष्टाध्यायी में इत्संजा विधायक सूत्रों की संख्या बताइए, तो अष्टाध्यायी में इत्संजा विधायक सूत्र मैंने पहले बता दिया था कि 6 होते हैं इत्संजा विधायक सूत्र। धातु सूत्र गणों गण उन आदि की क्या संज्ञा होती है, धातु सूत्र गण उन आदि की क्या संज्ञा होती है, तो उपदेश संज्ञा होती है, ठीक है। तुनदी धातु में टू की संज्ञा हुई है किससे, आदरहीन टुडुए से, ठीक है, आदरहीन टुडुए से किसकी संज्ञा हुई है, ये हुई है टू की। देखिए सभी ऑप्शन का मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको, कि जो हलंत्यम है वो तो क्या करता है, उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल वर्ण की संज्ञा करता है, ठीक है, और आदि ही टुडुए से आपको पता ही चल गया धातु के प्रारंभ में विद्यमान जो यी धातु है, यी टू और डू जो डू होता है इनकी संज्ञा हो जाती है इससे। और इससे प्रत्यय शय प्रत्यय जो कहता है कि प्रत्यय के आदि यानी प्रारंभ में स्थित जो स मूर्धन्य शय है इसकी संज्ञा हो जाती है इससे, ठीक है।
और लशक व तद्धितेश क्या होता है, लशक व तद्धितेश तद्धित प्रत्ययों के अलावा किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित ल श यानी ल और स तथा क वर्ग यानी कि क ख ग घ ङ की एक संज्ञा होती है, यानी इतने इतनों की एक संज्ञा किससे होगी, लशक व तद्धितेश सूत्र से हो जाएगी। ध्यान से सुन लीजिए कि जो तद्धित प्रत्ययों के अलावा बोल रहा है कि लशक व तद्धितेश तद्धित प्रत्ययों के अलावा किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित प्रत्यय के प्रारंभ में ल है श है तथा क वर्ग में से कोई भी क ख ग ङ घ ङ इनकी एक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे ये सप में एक संज्ञा करने के बाद क्या शेष रहता है। तो सप में सप की अगर हम एक संज्ञा करते हैं तो ऐ शेष रहता है इसमें से। ठीक है, जैसे कि जो प्रारंभ में जो स है उसकी लक्षक को तद्धितेश हो जाएगी एक संज्ञा और पै की हो जाएगी अलंतम से एक संज्ञा, तो ऐ बच जाएगा इसमें से। ठीक है, आगे चलते हैं। अधोलिखित में से वृद्धि नहीं है, इनमें से वृद्धि कौन सी नहीं है, तो आ की वृद्धि आ वृद्धि है, ई है, औ है, ये वृद्धि है, ये नहीं है वृद्धि। ठीक है, तो और इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है अधोलिखित में गुण है, गुण किसका हुआ है, तो गुण ए है, ई भी नहीं है, ऊ भी नहीं है, डी भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द्रव्यवाची भिन्न प्रादी कहलाते हैं, द्रव्यवाची भिन्न प्रादी कहलाते हैं निपात। ठीक है, द्रव्यवाची भिन्न कहलाते हैं निपात, इसको याद रखना आपको, प्रयादि कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है निषेध और विकल्प की संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा, विभाषा संज्ञा होती है, निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है, सुप्त तिगंतम पदम हो जाएगा। ठीक है, सुप्त और तिगंत की पद संज्ञा होती है। संहिता नित्य नहीं होती है, संहिता लौकिक वाक्य जो होते हैं ना हम कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं हमारी इच्छा होती है, लेकिन जो एक पद में करनी हो संहिता, धातु उपसर्ग में करनी हो तो समास में करनी हो तो वहाँ पर नित्य होती है, और इसमें हम करें या ना करें वाक्यों में तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर होता है, और एक पद में धातु उपसर्ग में समास में नित्य संहिता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 83 नंबर का क्वेश्चन हमारा है इंद्र का उदाहरण है, इंद्र उदाहरण किसका है, तो संयोग संज्ञा का उदाहरण क्या है, ये हो जाएगा संयोग संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा इंद्र। तो संयोग संज्ञा किसकी होती है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यदि दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं हो तो वहाँ संयोग संज्ञा होती है। जैसे कि देखिए दो व्यंजन है यहाँ पर, आप पढ़ रहे हैं अभी हमने देखा है कि इंद्र शब्द है। देखिए जिनको नहीं आता है मैं उसके लिए बता रही हूँ, अगर किसी को ये सब पता है तो अच्छी बात है, इसको बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसके लिए है ये सब। तो इसमें हम जब इसका एक एक विच्छेद करते हैं एक एक वर्ण का, तो यहाँ पर ई आ जाता है, ई और फिर न और द और फिर रे आ जाता है, तो ऐसे हो जाता है इंद्र। तो इंद्र आ गया, तो इसमें किसी देखिए ये सारे न भी क्या है व्यंजन है, द भी व्यंजन है और र भी व्यंजन है, इनके बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं हो रहा है, यानी इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है, तो इसकी क्या हो जाएगी संयोग संज्ञा हो जाएगी इंद्र शब्द की। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो एक विज्ञान शब्द है, विज्ञान शब्द को अगर हम तोड़कर देखेंगे तो इसमें भी क्या इसकी भी हो जाएगी संयोग संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही क्षमा, क्षमा शब्द है इसकी भी क्या हो जाएगी संयोग संज्ञा हो जाएगी, त्राणम शब्द की भी हो जाएगी संयोग संज्ञा। ऐसे ही एक कोई वर्ड आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसकी भी संयोग संज्ञा होती है या नहीं होती है, आप लिख सकते हैं कमेंट में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अकार के कुल कितने भेद होते हैं, तो अकार के भेद होते हैं कितने, तो सबको पता है 18 भेद होते हैं अकार के। देखिए ये बांटे गए हैं कि जो क्या है कि जो ए है, ई है, ऊ है, इन तीनों के हर्ष दीर्घ प्लुत प्लुत ये छह मतलब इनके ये तीनों भेद मिलते हैं, हर्ष भी होते हैं इनके हर्ष दीर्घ प्लुत में इनका विभाजन किया जाता है, और ये तीनों उदात अनुदात स्वरित के रूप में विभक्त होने पर फिर नौ भेद हो जाते हैं इनके, और फिर उदात अनुदात व स्वरित प्रत्येक ये जो भेद हैं ये दो दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक, इस प्रकार ये 18 भेद हो जाते हैं इनके। आशा करते हैं आप समझ जाएंगे, क्योंकि देखिए इतना समझाना बहुत मुश्किल है कि इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी मैं अगर डिटेल में बताने लगी तो। देखिए मैं थोड़ा सा फिर बता देती हूँ आपको,
समझ में नहीं, मैं अच्छा प्रयास रहेगा आपका। देखिए जो ये ए है इसको हम बांट देते हैं पहले हर्ष दीर्घ प्लुत में, हर्ष दीर्घ प्लुत में बांट देते, लिखा ही नहीं जा रहा है तो, और फिर बांट देते हैं हम तीनों को उदात अनुदात स्वरित, ये छः होंगे इसके, फिर बांट देते हैं उदात उदात अनुदात स्वरित को हम बांट देंगे दो भेद में, अनुनासिक और निर और अनुनासिक, तो ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो दो भेद हो जाएंगे, तो 18 भेद हो जाएंगे इनके ऐसे, तो 18 भेद होते हैं, आपको ये याद रखना है। आपसे क्वेश्चन फिर सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ए के कितने भेद हैं, ई के कितने भेद हैं, तो ए के ई के ऊ के 18 भेद होते हैं और री के भी 18 भेद होते हैं, ठीक है। और जो लरी होता है, लरी जो होता है उसके उसमें दीर्घ का अभाव हो जाता है, दीर्घ का अभाव हो जाता है, तो इसके 12 भेद हो जाते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या बताने के प्रयास कर रही हूँ आपको, जो हमने पढ़ा ए ई ऊ री इनके 18 भेद होते हैं और लरी में दीर्घ का अभाव हो गया, तो ये हो गया 12 प्रकार का। और सीधा आपसे पूछा हुआ जाता है कि दीर्घ अभाव कौन होता है, तो लरी होता है, और री अलरी की स्वर्ण संज्ञा होने के कारण इन दोनों के जो 30-30 भेद हो जाते हैं, 18 और 12 मिलाकर तो 30-30 भेद हो जाते हैं री और लरी के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 भेद किसके नहीं है, तो ये क्वेश्चन आ गया आपका, 18 भेद एक का नहीं होता है एंड इसमें हर्ष का अभाव होता है ए में, ठीक है। ए ओ आई औ के प्रत्येक के 12 भेद होते हैं, यानी आपको याद रखना है कि ए ओ आई औ इनके 12 भेद होते हैं, इनमें हर्ष का अभाव होता है, ठीक है। ए के बताए थे मैंने, इनके 18 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ए का नहीं होता, क्या नहीं होता, हर्ष नहीं होता है, यानी हर्ष अभाव होता है इसमें, और दीर्घ अभाव री में होता है, ठीक है, प्लुत अभाव नहीं होता किसी में भी। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है री और लरी, री और लरी की स्वर्ण संज्ञा होने पर कुल कितने भेद हो जाते हैं, री लरी स्वर्ण संज्ञा कर देते हैं तो इनके भेद हो जाते हैं 30, मैंने बताया था अभी, अगर हम री लरी के स्वर्ण संज्ञा कर देते हैं इनके 30-30 भेद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है स्वर्ण के होने के लिए समान होना जरूरी है, यानी अगर हम करते हैं ना स्वर्ण संज्ञा, तुल्याश्च प्रयत्नम स्वर्णम से सूत्र आता है, तुल्याश्च प्रयत्नम स्वर्णम संज्ञा करने वाला, स्वर्ण संज्ञा करने वाला, तो हम उनमें स्वर्ण संज्ञा करने के लिए हम क्या देखते हैं, तो उच्चारण स्थान देखते हैं, ठीक है। तालु आदि उच्चारण स्थान समान होने चाहिए, अभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों क्या होने चाहिए, तुल्य होने चाहिए, यानी समान होने चाहिए, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है, ठीक है। उच्चारण स्थान और बाह्य प्रयत्न, सॉरी अभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों होने चाहिए तुल्य। तो आड़ी, देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था आपको कि आड़ी रेखा किस स्वर के नीचे लगाई जाती है, आड़ी रेखा नहीं ये ऐसी लेटी हुई रेखा अनुदात की होती है, और उदात का कोई चिन्ह नहीं होता है, स्वरित का होता है खड़ी रेखा, ठीक है खड़ी रेखा। अगला क्वेश्चन है सुप प्रत्यय कितने होते हैं, सुप प्रत्यय होते हैं 21, ठीक है। और पद होने के लिए आवश्यक है, पद होने के लिए आवश्यक सुबंत और तिगंत दोनों होने चाहिए, तब क्या होगी, पद संज्ञा होगी। वर्णों का अभाव कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्णों का अभाव अवशान कहलाता है, अगर वर्णों का अभाव हो रहा है तो अवशान कहेंगे हम उसको, ठीक है। अंतिम वर्ण से पूर्ण, सॉरी अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा होती है, उपधा संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण से पूर्व कौन सी संज्ञा होती है, उपधा संज्ञा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है हर्ष इकारांत हर्ष उकारांत की संज्ञा होती है, कौन सी होती है, घी संज्ञा होती है, ठीक है। टी संज्ञा नहीं होती है, गो भी नहीं होती और भय भी नहीं होती है, तो हर्ष विकारांत और उकारांत की होती है, घी संज्ञा। दा और धा यानी दाप को छोड़कर धातु की संज्ञा होती है, दा और धा की संज्ञा होती है, घू संज्ञा होती है, ठीक है। वेदांगों में प्रधान अंग है, वेदांगों में प्रधान अंग कौन सा माना जाता है, तो व्याकरण को ही प्रधान अंग माना गया है, यानी वेदांग के 6 अंग होते हैं, उनसे उनमें से व्याकरण को प्रधान माना गया है। 97वां हमारा क्वेश्चन है अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम सूत्र कौन सा, प्रथम सूत्र हमारा वृद्धिरादेश है और अंतिम सूत्र है अ अ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है अष्टाध्यायी में असिद्ध पादों की संख्या कौन सी है, असिद्ध पादों की संख्या कितनी है, तो असिद्ध पाद 3, पूर्वोत्तरार्ध सिद्धम सूत्र पढ़ा होगा आपने,
और माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, अक्षर समामनाएं भी कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, वर्णमाला सूत्र भी कहा जाता है। तो अपर नाम से में से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्याहार का इनमें से अपर नाम नहीं है या फिर है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या क्या कहा जाता है, अक्षर समामनाएं, प्रत्याहार सूत्र, वर्णमाला सूत्र कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्ष वर्ण के, क्ष वर्ण में जो संयोजन हुआ है वो किन वर्णों का हुआ है। तो क्ष वर्ण जो बनता है हमारा क प्लस क्ष वर्ण से मूर्धन्य क्ष से मिलकर बनता है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा रहता शायद, हाँ लास्ट ही क्वेश्चन हमारा है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा, लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा हमारा है। तो अदर्शनम लोप ऐसे लोप संज्ञा होती है, ठीक है। अतश्य लोप से तो लोप होता है, प्रशक्तम लोप ये भी लोप करने वाले, लेकिन जो लोप संज्ञा का विधायक सूत्र से पूछा जाए तो हम बताएंगे अदर्शनम लोप ऐसे लोप संज्ञा होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार क्वेश्चन आया है एसटेट के एग्जाम में। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन। जैसे अगर अच्छे लगे हैं तो मैं आगे भी इस सीरीज को ऐसे ही जारी रखूँ आप सबके लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको जो भी नई वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और तब तक आगे अगला जो टॉपिक होगा हमारा संधि से होगा, तो संधि के क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ, नहीं तो और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगी संज्ञा के ही, संज्ञा प्रकरण के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वैसे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज करवाए हैं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद आप सभी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।